कि रोड पे हैं, रास्ते में रुके, किसी होटल पे या रेस्टोरेंट पे चाय पीने के मूड है तो ये मलाम जबा के और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। सलामुअलैकुम, अभी हम इस्लामाबाद से स्वात की तरफ जा रहे हैं। ये स्वात मोटरवे और तकरीबन यहाँ से 100 किलोमीटर का फासला है। यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की। आपको पहले भी वालेकुम सलाम शबीर जान, चाल खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैर सर राव रशीद खैर राहुल माशिन मंजून वकील شیرخان سٹاف دی کچشری کرا شیرخان دی او لدی دا ان شاء الله مش پشور موټر وی پریدو او سوات موټر وی تبخ یازو ها با دا ان شاء الله یو گھنٹه یو نیمه سفر ولې سوات کډیو گھنٹو پوری راو رسیدې هم اچھا مده سوات په طرف ان شاء الله آباد ته کوم ان شاء الله वेदर आप चेक करें, वेदर ये वेदर आपको कहीं नहीं मिलेगा सिवाय स्वात पिशावर और मरी और इस्लामाबाद। बस मौसम ही ऐसा मौसम है कि अल्लाह खैर करे। कौन सी जगह है जी? कौन सी जगह है ये? तो अभी स्वात का मोटरवे है जी। हाँ स्वात माजी का क्या हाल है? चाय के लिए रुपये चाय पी सामने भी स्वात मोटरवे टनल है, ये भी स्वात मोटरवे टनल है और दो उस साइड है स्वात मोटरवे टनल और ये मलकंड के पहाड़ है। ये भी मलकंड के पहाड़ है। अस्सलामुअलैकुम, हम स्वात पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमने नमाज के लिए ब्रेक लिया। ये बाईपास है, यहाँ से सीधा हम कालाम जाएंगे। कालाम नारान कागान मलाम जबा वहाँ जाएंगे। सो नमाज वमाज हमने पढ़ लिया, अभी ये रोड क्रॉस कर रहा हूँ मैं और फिर वहाँ से। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। सो गाइस फाइनली ये मलाम जबा का रोड है। मलाम जबा तकरीबन यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर है। इतना ट्रैफिक है कि जा नहीं सकते। पीछे गाड़ी ट्रैफिक में फंसी हुई है और हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं। थकावट बहुत है, मतलब बहुत थके हुए, मैं बोल भी नहीं सकता। तकरीबन हम पिशावर से 3 बजे निकले थे, पिशावर से नहीं इस्लामाबाद से। अभी 7:30 बज रहे हैं। अभी स्वात के ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। मलाम जबा के रोड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा। ईद का दूसरा दिन है, ट्रैफिक में अभी भी खड़े हुए। तकरीबन घंटा तो हो गया हमें यहाँ ट्रैफिक में खड़े हुए, 1 घंटा मुकम्मल हो गया हमें। वहाँ से तकरीबन हम 2 घंटे ट्रैफिक में फंसे हुए थे, लेकिन यहाँ हमें खड़े हुए गाड़ी से निकले हुए 1 घंटा हो गया। गाड़ी से बाहर हमारी गाड़ी वो सामने खड़ी है, वो सामने वो है।
फिलहाल आगे देखते हैं क्या होता है, अल्लाह खैर करे। चलो देखते हैं। अभी तक हम ट्रैफिक से नहीं निकले, तकरीबन एक घंटा और हो गया। अस्सलामुअलैकुम, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत है, ट्रैफिक बहुत है। बस अभी यहाँ पर ये हमारी गाड़ी यू टर्न ले रहे हैं, यहीं पर स्टे करेंगे इस होटल में, और यहाँ से कालाम जो है 92 किलोमीटर, बालाम जब्बा 42। सो अस्सलामुअलैकुम, अभी हमने रूम तो बुक कर ली, उस साइड पे हमारा होटल है और हम मेन रोड पे निकले। ये बिल्कुल फिजागढ़ है, फिजागढ़, और इस तरफ दुकानें, और इस होटल में हम आए। मैं आपको इस वक्त नज़ारा दिखाता हूँ। पूरा नाम तो नहीं लिखा, पता नहीं क्या नाम लिखा है, अलस्वात होटल, ये रहा बुर्जल अलस्वात होटल। और यहाँ मैंने रूम पूछा, मैंने कहा रूम कितने का मिलेगा, इसने कहा 16,000 से लेकर 50,000 तक का रूम है, जिसमें सिर्फ एक या दो बेड होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और ये रोड है, यहाँ से तकरीबन मलाम जब्बा 42 किलोमीटर है, 42 इस तरफ 42 किलोमीटर, और ये मेन रोड है। होटल ही बहुत आला होटल है, हाई। और ये रिसेप्शन है, और मैं भी आप अभी ऊपर का नज़ारा भी दिखाता हूँ आपको। आओ पहले मैं आपको होटल दिखाता हूँ। ये हमारा रूम है, ये रूम है हमारा, सब लेटे हुए हैं, थके हुए सब, 3-4 घंटे ट्रैफिक में खड़े हुए थे, फिजागढ़ के ट्रैफिक में। अभी यहाँ पर रात गुजारेंगे, सुबह मलाम जबा और कालाम की तरफ निकलेंगे। ये सूट है मेरा, अभी यहाँ से हम नीचे जाएंगे, इस्त्री करने के लिए सूट देंगे। खाना हमारा है, कौन से फ्लोर जा रहे हैं? ऊपर ऊपर, सबसे ऊपर फ्लोर में। भाई लेके जाओ, मस्त हम आ रहे हैं। एक सूट ये रहा है, 4-5 सूट पहले दिए थे इस्त्री करने के लिए, और एक सूट ये रहा इस्त्री करने के लिए। लेके जाएगा आपका जो भाई है ना, वो लेके जाएगा। बस एक बंदा और आ रहा है नीचे, उसके बाद खाना खाएंगे फिर नमाज पढ़ेंगे। हम उठ गए, तकरीबन 9 बज रहे हैं। ये नजारा है, यहाँ पर हम रुके। दूसरे फ्लोर में एक और रूम बुक किया हुआ है, वहाँ आएंगे। यहाँ पर भी वॉशरूम है, लेकिन यहाँ पानी ठंडा है, बहुत ठंडा है। सो अभी ये सारे कपड़े पड़े हुए हैं, ये चाचू के, ये मेरे, ये 3 बेड। ये रूम भी हमने बुक किया था, लेकिन यहाँ कोई सोया नहीं है, ऊपर एक सब एक साथ सोए थे ताकि गप शप भी लगाए। और दूसरा रूम ये रहा। तो फाइनली हम सब फ्रेश हो गए, अभी निकलेंगे मलाम जब्बा की तरफ। तकरीबन यहाँ से 42 किलोमीटर दूरी, 10 दफ़ा बता चुका हूँ फिर भी बता रहा हूँ। इस तरफ जो है वो स्वात है, और इस तरफ मलाम जब्बा, नारायण कागान, और ये नाश्ता करने के लिए बैठ गए, तकरीबन 10 बज रहे हैं। यहाँ से डायरेक्ट मलाम जबा जाएंगे, मलाम जबा। वो सामने गाड़ी खड़ी है, अभी बनवाएंगे, मैकेनिक को बुलवाया है, आयल लीक हो रहा है आयल। और तकरीबन मलाम जबा यहाँ से 48-40 मिनट के बाद में, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बन चुकी है। मतलब जो आयल लीक हो रहा था वो बस मैकेनिक को बुलाया, उसने सेट कर दिया, अभी आयल लीक नहीं हो रहा। तकरीबन 1.5 घंटा हम यहाँ पर हुआ। शबीर भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, बस यहाँ पर गाड़ी बन चुकी है, अब जा रहे हैं मलाम जबा की तरफ, और
बस ये लोग सेटअप कर रहे हैं, बस यहाँ से निकलेंगे। मरीबन यहाँ से 38 किलोमीटर 36 किलोमीटर के पास में यहाँ पहुँच के फिर बात करते हैं। बस निकल क्या क्यों रुके हो? गाड़ी ख़राब थी, आयल लीक हो रहा था, वो बन गया। बस मैकेनिक को बुलवाया। तकलीफ मकलीफ तो नहीं पूछा? डेढ़ घंटा दो घंटे हुए यहाँ। तकलीफ मकलीफ तो नहीं? बस ये फिलहाल अलहमदुलिल्लाह। हाँ। मलाम जबा की पहाड़े, मतलब उससे पहले तकरीबन 28 किलोमीटर चेक कर सकते हो आप लोग। अस्सलामुअलैकुम, ये मलाम जबा के पहाड़ हैं, सारे पहाड़ हैं मलाम जबा के। मलाम जबा यहाँ से तकरीबन अभी भी 22-20 किलोमीटर है। यहाँ पर हमने एक होस्ट ली, मतलब यहाँ पर रुके दो मिनट के लिए, और ये लोग भी सब खड़े हुए हैं, और यहाँ से हम वीडियो पिक्चर लेंगे तब दिखाएंगे। ये मलाम जबा है, मलाम जबा के पहाड़े हैं। मलाम जबा यहाँ से तकरीबन 20-22 किलोमीटर। ये मलाम जबा के पहाड़े हैं और ये आप व्यू देख सकते हो। तकरीबन यहाँ से अभी भी 20-22 किलोमीटर का फासला है। ये सारे मलाम जबा के पहाड़े हैं। पहले मलाम जबा जाएंगे, फिर कालाम जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, इस साइड पे आइए। अभी आप इस वक्त कहाँ पर हैं? देखिए रोड पे हैं, रास्ते में रुके किसी होटल पे या रेस्टोरेंट पे। रिजल्ट यहाँ भी चाय पीने के मूड है तो यहाँ रुके भी चाय पी के इंशाल्लाह फिर आगे जाते हुए मालूम जब एंड पॉइंट वहीं पहुँचना है। अभी ये एरिया है ना मालूम जब सवाल है ना। ये मालाम जबा है, मालाम जबा के पहाड़े हैं। हमने यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स और पिक्चर्स ली, वीडियो बनाई, और ये लोग अभी भी पिक्चर खिंचवा रहे हैं और रिव्यूज देख सकते हो आप लोग। और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। ये लोग यहाँ पर बैठे, सामने भी ग्रुप बैठा हुआ है हमारा। हम यहाँ ऊपर चढ़े मालाम जबा के पहाड़े। यहाँ पर हमने चाय ऑर्डर की, चाय की एक कप 80 रुपये की है। तो वीडियोस पिक्चर्स हमने बना लिया, अभी निकल रहे मालाम जबा की तरफ। ये मालाम जबा के पहाड़े यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर का फासला हो रहे हैं मालाम जबा की तरफ। बस निकल रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। वहाँ मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। यहाँ सामने गाड़ी खड़ी है हमारी। अस्सलामुअलैकुम, अभी तकरीबन यहाँ से जो मलाम जबा है तकरीबन 6-7 किलोमीटर और भी है। यहाँ पर हमने रुके वीडियो पिक्चर बनाने के लिए। आप देख सकते हो ये नज़ारा है मलाम जबा के पहाड़ों का, बहुत ही आला व्यू है। ये लोग खड़े हुए सब उतर रहे हैं, और यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये मलाम जबा के लिए। चलो चलो।